बड़ा समझाया तैनू समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू। क्या बात कर रहा है? सेसी पूनम ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी। हाँ भाई, ऐसे बहुत लड़के हैं जो ठरक में पैसे लुटा रहे हैं उधर। क्यों बे? अब तो दोबारा आना पड़ेगा भाई। मेरी मौजूदगी होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम जैसियों को चैन से जीने नहीं दूंगा। तो आज हम आ चुके हैं आपके उसी पसंदीदा टॉपिक को वापस लेके, क्योंकि व्यूज भी अच्छे आ रहे थे। धरती का अंत बहुत निकट है मित्रों। जिस हिसाब से इनके जैसियों की तादाद बढ़ती जा रही है ना, उस हिसाब से दुनिया का अंत बहुत निकट है। क्योंकि जब भी अब मैं इंस्टाग्राम के सर्च पेज को कभी भी खोलता हूँ, तो ऊपर की रील में ये वाला गाना तो कतई टॉप पे ही रहता है। तो इससे पहले कि और देर होए, आज हम सच्चाई की नालियों में से घुस के गंदे गंदे चूहे बाहर निकालेंगे, और उसके बाद सैसी पूनम और इसके साथ की सेकेंडरी सोन परियों की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। जय श्री राम। रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी हो रही है? तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोगों के पास पैसे तब नहीं होते हैं जब जरूरतमंद की मदद करनी होती है, लेकिन इन औरतों को देखने के लिए रात के 11:30 बजे तक जागते हुए इनकी जेब से 1000 रुपए अपने आप निकल आते हैं। कुछ शर्म आया है? सबसे पहली बात, शर्म तो इसको आनी चाहिए। ये सब काम करने से पहले इसने 10 बार नहीं सोचा कि मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस ऐप चालू करके रात के 11:30 बजे लाइव आने का नोटिफिकेशन और स्वाइप अप दे देती हूँ। लौंडे तो भोसड़ी के ठरकी है, आ जाएंगे अपनी लार टपकाते हुए। और ये क्या है, लाइव ऑन माई ऐप थर्स्टी बुक नाउ? फिल्म चल रही है यहाँ पे? क्या चल रहा है भाई? ये ऐसे काम किया ना, तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा मैं खड़ा खड़ा यहाँ पे खड़ा रह कर। अब ये तो है ही चमकीले फिल्टरों वाली सोन परी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सोन परी से मिलाने जा रहा हूँ जो कि एमएक्स टकाटक में बहुत ज्यादा फेमस है अपने ड्यूट के कारण। इनसे मिलिए, जिनके टिकटॉक पे 5.8 मिलियन फेक फैंस हैं। और इनका काम है दूसरों की वीडियो पे से लेके ड्यूट बनाना और 0% एक्सप्रेशन देना। कितना ओरिजिनल काम है, क्यों रंडी विजय? लेकिन अब मैं तुम्हें इसकी एक ड्यूट वाली रील दिखाता हूँ, जिसको देख के तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा 100% चेंज हो जाएगा। उसके बाद पलट भी मारेगा, क्योंकि टिकटॉकर है, बढ़िया थोड़ी हो सकती है। माँ बाप के कपड़े उतर गए बेटी को पहनाने में, और बेटी के कपड़े उतर गए फॉलोवर्स बढ़ाने में। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों। कितना अच्छा साफ सुथरा सोशल मैसेज है, मेरी तो आंखें खुल गई बहन। लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है बातों से। रुको जरा, सबर करो। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये वही लड़की है जिसकी अभी अभी मैंने आपको ड्यूट वाली रील दिखाई थी। अरे मेरी आंखें बाहर आने वाली हैं आर्यन। हाँ तभी तो बड़े हैं फॉलोवर। और जिनकी नजरों में मैं अच्छी नहीं हूँ, वो अपना नेत्र दान कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत। इनके जैसे ही लोग पूरे इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम के लोगों के दिमाग को पूरा बर्बाद करने पे तुले हैं। शर्म तो आनी रही होगी, जो काम किया उसके ही कवरिंग में वीडियो बनाते हुए। खैर मैं क्या भी किस तरह हूँ, एक नंबर का चूतिया हूँ, पागल हूँ मैं। भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? ये टट्टी ही बनाएगी और लोग टट्टी को आके ही चाटेंगे हमेशा, लोगों को टट्टी खाने की आदत हो गई है। खैर मेरा क्या है, मेरा तो समझाने का फर्ज है, मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। तुम्हारे दिमाग से जितनी भी हवस की पट्टियां हैं वो सब इन वीडियोस को डाल के जितनी निकाल सकता हूँ वो निकाल दूंगा, और बाकी मैं क्या ही कर सकता हूँ बैठा बैठा। खैर अब वापिस से आते हैं पूनम जी की एप्लीकेशन के ऊपर। इन्होंने जो ये अपना सस्ता ओनली फैंस खोला है, इसमें ये लोगों को प्रीमियम मेंबरशिप देती हैं, जिसमें लोगों को इनको मैसेज करने के भी पैसे देने पड़ते हैं। क्या पैसा फोकट क्या था क्या हमारा? जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम 1 post 1 story 15,000 रूपए, प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम 1st post book now 9,999 रूपए, और पर्सनल मैसेज के 1100 रूपए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। लूटने का धंधा चला रखा है भैया, इसकी खुद की पोस्ट खुद की स्टोरी पे तो फेक लाइक्स फेक फॉलोवर आते हैं, और दूसरों से 15-15, 20-20 हज़ार रूपए ले लेके दूसरों का चूतिया काटती है। जब भराता हूँ बहन चोद, जब पैसा काट लेते हो। ये वो पेटीएम में कमेंट में भीख मांगने नहीं आती सर्विस की लड़कियाँ, उनसे भी ज्यादा बदतर हरकत है ये। और ये क्या है, गंदी गंदी चीजों के लिए चिंदी चिंदी पैसे मांगना, ये क्या 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 है यार ये? सबकी जूता पड़ेगा। सच बताऊं तो मेरा रोस्ट वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी घिन आ रही थी मुझे भाई। जब ये ऐसी हरकतें इंस्टाग्राम पे खुलेआम करती है तो एप्लीकेशन में पता नहीं। और सबसे जरूरी बात, इन लड़कियों की आईडियां जितनी रिपोर्ट करो कोई फायदा नहीं होता भाई, इंस्टाग्राम मुंह पे मना कर देता है। ये सारे के सारे मिलके हमको ही पागल बना रहे हैं भाई। एट दी एंड जो चीज इंस्टाग्राम प्रमोट करेगा वही चीज तो चलेगी ना। जब इंस्टाग्राम को न्यूडिटी ही पसंद है तो इंस्टाग्राम को पॉर्नहब क्यों नहीं बना देते? चलो ज्यादा सीरियस माहौल बन गया शायद। अरे आर्यन तू काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है इनके समझ में ना आने की? वही तो यार, ये तो फिर भी उसको जाके ही देख के मुठियाएंगे।
मेरा तो अभी से मन कर रहा है। बहुत सही है। खैर पिछली वीडियो और इस वीडियो से कुछ ज्यादा खास बदला नहीं है। मैं तो तब भी रिक्वेस्ट कर रहा था, अब भी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। बहुत रिक्वेस्ट कर ली मार्क जुकरबर्ग मैंने आपको। इसी की करीबी देन है, यही टिकटॉक बैन होने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी लेके आया, लगे हाथ ही रील्स ले आया और इन लोगों से भी इसने खूब कमाया। मार्क जुकरबर्ग शनिवार है आज बेटा। शनिवार तो कल है लेकिन। पर इसने तो इतनी ज्यादा हद कर रखी है, एक एक गाने पे चार चार वीडियो बनाती है। मैं दुनिया भूल गया तुमको देख के। आर्यन लगता है मेरे दिन पूरे हो गए इस दुनिया में जीने के। मैंने बहुत कलयुग देख लिया, मुझसे सहा नहीं जाता। इनको सुधारने वाला भानु प्रताप ही है। ऊपर से ये कोरोना आ गया, मैं अपनी डिवोर्स करी हुई वाइफ से मिल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है। चलो उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसके साथ भी मुझे मिलने जाना था लेकिन मैं उससे मिल ना सका। पिछले 2 साल से लगातार लॉकडाउन के कारण शायद वो मुझे भूल गई होगी लगता है। क्या बात है। लेकिन मेरी डिवोर्सी बीवी ने अगर उसको मेरे साथ देख लिया तो मेरी गांड के साथ साथ कुछ और भी छोड़ जाएगी। एक लिपसिंग ही बची थी, वो भी इससे ढंग से नहीं हो रही। अबे क्या रीलर बनेगी यार तू। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे जलते बहुत हैं। कुछ कुत्ते हैं जो मुझे काट तो नहीं सकते लेकिन भौंकते बहुत। अबे तेरे से कौन जलेगा डायन। जलने की बात तो तू आत्महत्या और कर लेगा अंधेरे में देख के। और काटने को तो भैया राक्षस पिशाच ही काट सकते हैं, जिनके साथ तुम्हारा रोज उठना बैठना रहता है रात को। और इसका इतना मेकअप और फिल्टर देख के तो पिशाच भी यही कहते होंगे हमको रात में काम लग गया क्या करेंगे भाई। इतना घमंड लेके कहां जाएगी जब इसके पास कुछ है नहीं। मतलब मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, फॉलोवरों की बात कर रहा हूं, फेक फॉलोवर। अरे तुमने गलत सुना है, जितना भी सुना है जहां से भी सुना है, हम तो इससे भी बुरे हैं। बजा दे कुछ। उतनी बुरी भी नहीं है यार, ये बहुत ज्यादा बुरी है। अब हम आखिरी चरण की तरफ पहुंच रहे हैं, इसलिए उससे पहले आपको इसके कंटेंट का पूरा लेखा जोखा एक दूध के अंदर मिला के दिखाते हैं। सबसे पहले दूध में बॉर्नविटा, नहीं बॉर्नविटा की मां की चूर डिटर्जेंट मिलाओ, डिटर्जेंट के साथ साथ हद से ज्यादा फिल्टर और फड़ाके। उसके बाद आती है आ ऊ की आवाज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि सब लोग देखने आते हैं वो है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो ये तो हो गई इसकी बात, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यार सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक लड़की तो इंस्टाग्राम पे इस टाइप की थी जिसकी मैं वीडियो दिखाने से भी यहाँ पे डर रहा हूँ। इतना हद से ज्यादा गलत माहौल हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। और कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पे इनकी फालतू आइडिया भेजना बंद करो यार, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि वीडियो बनाने की भी हद होती है एक, अब इससे ज्यादा होगा तो फालतू की चीजें बनेंगी। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और तुम्हारे रिपोर्ट करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब टोटली आखिर मैं यही कहूंगा कि मेरी तरफ से तो आइडियाज खत्म हो चुके हैं इन चीजों को रोकने के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में अगर कोई आइडियाज हैं तो कमेंट में जरूर बताना। कुछ ठोस कमेंट लगा तो उस पे अमल जरूर करूंगा। इन चीजों को रोकना है तो कोई ना कोई स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, वरना एक दिन तुम लोग मेरी बात को याद करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब यहाँ तक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिकल और बात में दम जरूर लगा होगा। तो दम लगा हो तभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले घंटे के पर भी लगाएं, और तभी लगाएं जब आप वीडियो आगे देख सकें। ये नहीं कि एक वीडियो देखी उसके बाद छोड़ दिया। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर कोई आइडिया आया इनका धंधा बंद करने का तो उसका भी आइडिया मुझे जरूर दें डीएम करके। और एक और बात, शेयर कीजिए सारे व्यूअर्स इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट दुश्मनों की बहन की।